हेलो गाइस, नमस्कार। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही है। आज हम बनाएगा पुलाव। देखिए, पुलाव बनाने के लिए क्या क्या सही है। हम रेडी कर लिया, गाजर काट लिया छोटा छोटा करके, और आलू फ्राई करके रखा है, और थोड़ा सा किशमिश, बादाम, काट बादाम, और धनिया पत्ता, और बीन्स, और थोड़ा सा प्याज काट लिया हम, और एक ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस, और उधर चिकन। चिकन अभी तक बनाया नहीं, अभी बनाएगा। बनाने के टाइम तुम लोगों को सब दिखाएगा क्या क्या चाहिए, अभी बनाएगा। आइए गाइस, देखिए हम चिकन बनाने के लिए प्याज फ्राई कर रहा है। प्याज डाल दिया, और इधर पुलाव के लिए देखिए चावल बैठा दिया। हो गया चावल, अभी इसको हम पानी निकल लेंगे। चावल हो गया, गाइस देखिए अभी हम चिकन फ्राई कर रहा है। चिकन फ्राई करके ले जा, जितना बड़ा बड़ा पीस करके लेते हैं। देखिए ना, फ्राई करने से कितना देर लगेगा, देखो ना बड़ा बड़ा। अभी अच्छा से फ्राई करके ले जा, इस तरह करके बाद में हम कारी बनाएंगे। थोड़ा सा गाइस देखिए, हमारा चिकन फ्राई हो गया। अभी मसाला डाल देगा, देखो क्या क्या डालता है। हल्दी का पाउडर दे दिया, अभी डालेगा धनिया का पाउडर। दो चम्मच धनिया का पाउडर डालेगा, और डालेगा अभी मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची, दो चम्मच डालेगा। अभी डाला है ज़्यादा खट ये है, अभी डालेगा ये कश्मीर का कलर होने के लिए थोड़ा सा डाल दिया। अभी मसाला अच्छा से फ्राई कर लेगा चिकन के साथ, बाद में हम प्याज को फ्राई करके रखा है ना, वो उसको हम ग्राइंडिंग में पेस्ट करके रखा है, वो डाल देगा। तो हम फ्राई करके लेगा मसाला को, नीचे ऑयल है, जल्दी हो जाएगा फ्राई, ज़्यादा ऑयल निकल गया, बड़ा बड़ा चिकन है देखो, इस तरह करके जल्दी होता है फ्राई। अभी हम प्याज को हम ग्राइंडिंग करके रखा वो दे देंगे। प्याज, अदरक और लहसुन एक साथ ग्राइंडिंग करके रखा है, दे देंगे हम। अभी डालेगा थोड़ा सा जीरा का पाउडर, इतना ही डालेगा जीरा, ज़्यादा नहीं डालेगा। लास्ट में डालेगा हम चिकन का पाउडर।
थोड़ा सा पानी डालेंगे। मिर्चा नीचे डाल रहा है, अभी डालेगा चिकन का मसाला। थोड़ा सा इसको अच्छे से मसाला को फ्राई करने के लिए 2 मिनट अयो मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के पानी डाल देंगे। गाइस देखिए हमारा करी हो गया, ये पुलाव के लिए है, ग्रेवी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी है देखियो, और ये ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ग्रेवी है इसके, इसमें जो चावल से खाने के लिए ये हो गया। हम गरम मसाला डाल दिया, अभी हम थोड़ा सा ऊपर में धनिया पत्ता डाल दिया। कश्मीर मलग मिर्ची का पाउडर देने से कितना कलर हो गया देखिए, कैसा कलर, हम इतना कलर नहीं होता है हमारा करी में, देखो इसमें देखो इतना कितना अच्छा कलर हो गया, ये हो गया ये देखो देखो इस तरह करके हम रखा है। ग्रेवी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी है, इसको हम ना लेंगे अभी, इसको थोड़ा सा होने के लिए छोड़ देगा, अभी हम पुलाव बनाने के लिए रेडी करेगा, रेडी तो है बनाएगा अभी। गाइस देखिए अभी हम फ्राइड राइस बनाने के लिए आ गया, अभी हम घी डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा ही डालेगा घी, ज़्यादा नहीं डालेगा, थोड़ा सा ही है पुलाव, एक मिर्ची डाल दिया और कुछ नहीं डालेगा, अभी थोड़ा थोड़ा फ्राई करके ले जाए ये सब। फर्स्ट डालेंगे हम गाजर, एक साथ दे देगा सब गाजर बीन्स एक साथ दे देगा, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेगा। थोड़ा सा नमक डाल देगा, तो अच्छा से फ्राई होने के लिए छोड़ देगा थोड़ा सा, 2 मिनट हम ढक्कन लगाएगा। गाइस देखिए हो गया, 3 मिनट हम ढक्कन दे के रखा था, अभी देखो अच्छा से पक गया, देखिए इस तरह करके ग्रीन पीस भी देखिए नरम हो गया। अभी हम डालेगा क्या क्या डालेगा देखो,
बादाम डालेगा, ये बादाम है, किशमिश डालेगा, किशमिश बादाम फ्राई करके रखा है और काट बादाम है उसको भी डाल देगा। सब कुछ एक साथ डाल के अभी हम चावल बना के रखा है ना उसको हम डाल देंगे। देखो कितना कलरफुल हो गया, कितना देखने से अच्छा है। देखो अभी हम चावल डाल देंगे, चावल तो पहले बना के रखा है। देखो कितना अच्छा हो गया चावल। अब इसमें हम डाल देंगे सब। चावल भी अच्छा से पक लिया, पक गया। देखो इतना ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा। ये छोटा छोटा वाला चावल है बिरयानी का। गाइस देखिए, दो मिनट हम ढक्कन दे के रखा था, देखिए कितना अच्छा हो गया। अभी देखो अभी थोड़ा सा हम काले मिर्ची का थोड़ा सा डालेंगे पाउडर। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे। हो गया हमारा रेडी हो गया। अभी इस तरह करके थोड़ा सा मार के ढक्कन देके रखेगा। हो गया, देखिए कितना अच्छा हो गया। गैस लो पे रखा है हम, अभी ऑफ कर देगा। हो गया हमारा, हेलो गाइस, देखिए हमारा पुलाव रेडी हो गया। अभी हम खाएगा, ले लिया पात्र में, प्लेट में ले लिया। देखिए हम लोग खाएगा अभी। कैसा लगा तुम लोगों को कमेंट करके हमको बोलना है कैसा लगा, और लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, टाटा, बाय बाय।